अजी, हमने सुना है कि आपके पार्टी के कुछ लोगों का नाम है जैन की डायरी में। अरे तो क्या हुआ, जरा भोजवानी की डायरी खोलने दो, देखो फिर किस किस के नाम आते हैं। क्या एक और डायरी खुलने वाली है अभी? अजी, प्रॉब्लम डायरी की नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स। सब नंगे हो गए हैं, अब सारे नेता लोग हवाला के चक्कर में हवालात के चक्कर खाएंगे। हाँ। तो क्या क्या जाए, कॉरपोरेशन बनाते हैं, सभी तो बना रहे हैं, और फिर आप लोगों का काला पैसा जो है वो आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। फिल्म और टीवी सीरियल बनाएंगे, अच्छी कहानी तो हमें मिली जाएगी। अरे छोड़ो, पहले ये कहानी तो बंद करो गोल बोले। अजी हम तो तैयार हैं, अब तो सिर्फ पत्थर का इंतजार है। क्या नाम है तुम्हारा? सचदेव। पिछले 3 महीनों में 13 बार मिल चुका हूं मैं आपसे, और हर बार आपने मेरा नाम पूछा है। इलेक्शन के भाषणों में तो आप मेरा नाम खूब याद रखते थे, अब सब भूल गए। हमारी समस्या भी? आपकी समस्या याद है मुझे, आप कब्जा चाहते हैं, कहीं कोई जगह है जो वो? कहीं कोई जगह नहीं पटेल साहब, सिर्फ गोल चौक, जहां पिछले 10 सालों से हम लोग धंधा कर रहे हैं। 150 परिवारों का पेट पलता है उससे, और वो जगह थी क्या? पूरे शहर की गंदगी जमा होती थी वहां, सांप बिच्छू पलते थे, लोग वहां जाने से डरते थे। हमने खून पसीना एक करके उसे बाजार का रूप दिया है, कचरा ढोया है हम लोगों ने अपने सर पर। बिल्कुल। आहा, आहा। और आज हमको वहां से उखाड़ कर बाहर फेंका जा रहा है, ताकि कातिया वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सके। हमें कभी नहीं होने देंगे ये सब। अरे आप लोग प्रॉब्लम समझते क्यों नहीं, सरकारी कामकाज है, जांच पड़ताल तो होगी ही। हाँ, किस बात की जांच पड़ताल? जांच पड़ताल करनी है तो जाकर हमारे घरों में देखिए, चूल्हे ठंडे पड़े हैं कितने दिनों से। पटेल साहब, हम रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, 20 दिन से दुकानें बंद पड़ी हैं हमारी, दिन दहाड़े कातिया के गुंडे आकर गुंडागर्दी करते हैं, हमारी औरतों और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। क्या इसी दिन के लिए जिताकर बिठाया था आपको यहाँ, कि हमारी बात सुनने के बजाय हम पुलिस की लाठियां खाएं? आप लोग पत्थरबाजी करें, हम लोग सिर्फ ठेका रहे हैं। हमारे आदमियों ने नहीं, आपके गुंडों ने किया है, समझे? सचदेव, देखो अभी क्या कर रहे हो, अपने आप से संभालो। सचदेव छोड़ो, रुको ना, कातिया के आदमी हैं ये, वहां जो पक्की दुकानें बनेंगी ना, उनमें इन सबका हिस्सा है। होश में रहो, तुमने तो कह रहा, तो तुमको लाना है इंस्पेक्टर। कान खोल कर सुन लो पटेल साहब, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमें गोल चौक से उखाड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारी आंखों के सामने हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अपनी औरतों और मासूम बच्चों के साथ। अगर हमें मरना ही है तो हम अपनी मौत खुद चुनेंगे, आगे महादेव की इच्छा। प्रॉब्लम है, कातिया भाई से जाके मिलना पड़ेगा। कातिया, 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 कातिया है कौन हमारी तकदीर का फैसला करने वाला? ये दुकानें हमारी हैं, जमीन हमारी है, धंधा हमारा है, मेहनत हम करते हैं, तो फिर क्यों झुके किसी के आगे हम? अरे भाई, झुकने ना झुकने का बात कहाँ से होता है, तुम तो हमारी बात ही नहीं समझ रहे सचदेव। मैं तो कहता हूँ बिना झगड़े की बात निपट जाए तो बात को यही खत्म करो। इनके इसी रवैये की वजह से आज हमारी ये हालत है। जब पहली बार कातिया का भाई 2 रुपए हफ्ता वसूल करने आया था, तब भी मैंने मना किया था, मैंने कहा था मत दो मत दो, लेकिन तब भी इन्होंने यही कहा था कि बात सिर्फ 2 रुपए की है, बिना झगड़े के बात निपट जाए तो अच्छा है। हाँ। बात सिर्फ 2 रुपए की नहीं थी, बात थी कातिया की हुकूमत स्वीकारने की, उसकी ताकत के आगे झुकने की, और वही हुआ। 2 का 10 हुआ, 10 का 50 हुआ, 50 का 100 हुआ, पर आज नौबत यह आ गई है कि वो हमें हमारी जगह से उखाड़ना चाहता है। मगर सचदेव, तुम क्या समझते हो कि भूख हड़ताल से कुछ होगा? अरे भाई, हम कोई नेता तो है नहीं कि वहां कोई मिनिस्टर घबरा कर हमें यहाँ जूस पिलाने आएगा। हाँ, 10-12 दिन यहाँ पड़े रहेंगे कुत्तों की तरह हम, और मर जाएंगे भूख से। तो मर जाओ, यही बताना चाहते हैं हम उनको कि हम मरने के लिए तैयार हैं। वो मौत की धमकी देकर हमें डरा नहीं सकते, कुछ भी हो जाए हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे।
ख्याल से ये काम। कातिया का खास सिपाही है। अरे डरो मत, हमें उसके पास ले जाने के लिए आया है। आओ आओ। अजीब शौक है। ऐसे कई और शौक रखता है, क्या क्या बताऊं। आओ अंदर, कातिया का प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम मुजरा या कैमरे? ये तो अच्छा हुआ सिपाही ने नहीं सुना, वरना झपट लेता। कातिया को तो ये मुजरा कैबरे टीवी वीडियो फिल्म की मारा मारी देखने में मजा ही नहीं आता। तो फिर किस चीज में मजा आता है उन्हें? उसे तो रूबरू मौत का खेल देखना पसंद है, वो भी लाइव शो। लड़वाता है आदमी को आदमी से, जानवर को जानवर से, और कभी तो जानवर को आदमी से। खुश होता है खून देखकर, फिर जो जीतता है उसे इनाम देता है और अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। और जो हारता है तेरे आदमी ने घुटना टेक दिया कातिया। मैंने कई बार कहा है तुम लोगों से, बुजदिलों के इजाद किए गए खिलौने लेकर शेर मत बनो। जीना देख लिया कातिया के बाजों की ताकत। शेर है ये, छह के छह भाई शेर हैं। कातिया के अखाड़े में आकर तूने ललकारा और हार गया। समझा? इसे शेरा के पिंजरे में डाल दो। और तू हमारा आदमी होकर तूने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। तुम्हें अपनी जान हमारी इज्जत से ज्यादा प्यारी है, और ऐसी जान की हमें कोई जरूरत नहीं। समझा? अगर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए तो बहुत मुश्किल होगी। कात्या जी अपनी जगह पर तो वो पहले से ही हैं। अगर ऐसे में ऊपर से कोई दबाव आ गया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। बहुत डराया धमकाया भी, मगर ये सचदेव टूटता हुआ नजर नहीं आता। जीजा जी लकवा मार गया आपको। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। पुलिस और राजनीति ही तो जीजा जी के दाएं और बाएं हाथ हैं। अब वो दोनों ही बेकार हो जाएं तो लकवा नहीं मार गया जीजा जी। क्या यार, क्या मन्नत मानी है इसने? पता नहीं, एक तो शॉट नहीं पहनता, ऊपर से अकल यूज करना बंद कर दिया। तेरी बहन के मरते ही तुझे घर से बाहर निकाल दिया होता ना, तब तक ये बकवास ना सुननी पड़ती। दादा मैं अभी से लात मारकर घर से बाहर निकलता हूँ और बहुत बड़ी पार्टी देता हूँ। जीजाजी नहीं, मैं जीजाजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। दीदी ने मरते समय कहा था अपने जीजाजी की सेवा करना, हमेशा उनके चरणों में पड़े रहना। जाता है बस, जीजाजी। बस। क्या नाम बताया उसका? तुम्हें हर बात में आगे रहने की क्या जरूरत है? अब क्या हुआ? अरे जो सबके साथ होना वो हमारे साथ होगा, नेतागिरी से क्या मतलब है? मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ मालती, अब किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, बोलना तो पड़ेगा। जो भी हो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता या डर लगता है? हाँ डर भी लगता है मालती, इस संसार में रहना है। मुझे तुम्हारे संसार से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मेरा संसार तुम हो, मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। वो ऊपर जो बैठा है ना भोलेनाथ, उसको सबकी चिंता है। तू फिक्र मत कर, कुछ हो गया तो वो क्या छोड़ देगा, पूरा हिसाब लेगा। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं मालती, आगे महादेव की इच्छा। जा सामान वगैरह घर रख के आ जा, वो लोग बैठ गए होंगे। और सोन पानी वानी पी के आना, ये तेरा करवा चौथ नहीं है, भूख हड़ताल है। हाँ।
रहता हूँ उनसे, लगता है कि मेरी दवाई अभी असर नहीं कर रही है। लेकिन बेटा ऐसा करो, तुम जल्दी से किसी तरह उन्हें बंबई ले जाओ, वहाँ किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा। जाऊ रहता उनसे, और फिर इसमें दिक्कत ही क्या है, हैं? और बंबई में तुम्हारा बड़ा भाई शिव भी तो है, जॉन है टाउन से। वेरी राइट। आपने तो कह दिया जॉन है टाउन से, मगर आप जानते हैं बाबूजी को अंग्रेजी दवाई से सख्त नफरत है। बात तो बहादुरी की करते हैं, मगर सुई से डरते हैं, जॉन है टाउन से। और फिर उन्हें समझाए कौन? हाँ, आप समझा सकते हैं वैद्य जी, जॉन है टाउन से। मैं नहीं, तू समझा सकता है बेटा, मैं? सिर्फ तू, आखिर तेरे बाबूजी हैं, और फिर तू उनकी सेवा भी कितनी करता है, हैं? ठीक है, तू उन्हें समझा, मैं जा रहा हूँ मरीज देखना है बेटा, जब उन्हें तुम से है। अरे वैजी, अरे आप मुझे समझा रहे हैं? ये साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लेने से सफाई नहीं होती, घर और मोहल्ला भी साफ रखना पड़ता है। सब लोग अपना अपना मोहल्ला साफ रखेंगे तो सारे शहर की सफाई हो जाएगी। अरे मैंने गांधी जी के साथ सफाई अभियान में कहां कहां झाड़ू नहीं लगाए, और एक आप लोग हैं। अगर आप लोगों को शर्म आती है ये काम करने में, तो कल आकर मैं यहां झाड़ू लगा दूंगा। कौनो चिंता न करें। हां बाबूजी, वो सड़क, हां रतिशंकर जी जी, वो स्कूल वाली सड़क बहुत जल्दी बन जानी चाहिए जी। आप म्युनिसिपैलिटी में जो नए अफसर आए हैं ना, उनसे जाकर मिलिए और उन्हें बताइए कि मैं कौन हूँ। बहुत अच्छा। गांधी जी के साथ आजादी की जंग में चला हूँ मैं जी। ताम्र पत्र मिला है मुझे जी। मेरा नाम लेंगे ना, देखिए फिर काम कैसे फौरन होता है। हाँ जी। जाइए। अरे राधे जी, भैया बाबूजी को देखा क्या? अभी यहीं आए थे। यहीं तो थे, अभी चार को यहाँ डांटे थे और चार को हुआ डांटने चले गए। ठीक है। क्यों बे, सारा दिन खेलता ही रहता तू, स्कूल क्यों नहीं जाता? कहाँ तेरा बाप? राम राम बाबूजी। क्यों आरिया, तेरा बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता? बाबूजी इसे स्कूल तो हम रोज छोड़ के आते हैं, मगर ये रोज भाग आता है। सोचता हूँ बाबूजी मैं इसे अपने साथ खेत में ही लगा लूँ। अरे खेतों में लगाकर बैल बनाएगा क्या इसका? जानता है हमारे शास्त्री जी सर के ऊपर किताबें रखकर नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, देश के प्रधानमंत्री बने। मगर बाबूजी से नदी तैरने की क्या जरूरत है, इसका स्कूल तो पास ही है। चुप कर, फूट दिमाग कहीं का। देखो हाँ बाबूजी, पढ़ाई लिखाई के बिना आदमी जानवर के बराबर है। अगर कल से तेरा बेटा स्कूल नहीं गया तो तेरी खैर नहीं हरिया। बाबूजी आप मुझे तो डांट रहे हैं, मगर एक लाइन इसे भी डांट दीजिए। ए, इधर आ, बूटी लगाकर खड़ा क्या? बाबूजी वैद्य ने साफ साफ कह दिया है कि आपको इलाज के लिए बंबई जाना होगा। कौन वैद्य? वही जॉन है टॉन से। अरे जब वो खुद बीमार हुआ था तो मैंने उसकी दवा की थी, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी दवा बना लूंगा। बाबूजी ये समाज सेवा की बात नहीं है, आपकी सेहत की बात है, भगवान ना करे कुछ हो जाए तो। अरे चुप कर, बड़ा सयाना बना फिरता है तू। हम जानते हैं आप क्यों नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहता? हम नहीं बताएंगे। अरे बताना। नहीं बताएंगे। अरे बताना, नहीं तो दूंगा एक। आप सुई से डरते हैं। क्या कहा? ए कान खोल कर सुन ले मेरी बात। अरे कान छोड़ोगे तो सुनूंगा ना। हाँ तो सुन। हाँ। मैं यहाँ के काम काज छोड़कर बंबई नहीं जाऊंगा, और अगर मुझे फिर से जाने के लिए बोला तो दूंगा एक हूरा। आ चल शाबाश, काशी को जा शाबाश। ओ मेरे पकड़, उसके दांत से पकड़। हां काम पकड़, पकड़ दे तेरे चाचा की मुंडी पकड़। ए धोबी बचा मार, धोबी बचा मार। और शाबाश, और छोड़ा मत, चल आ जीजू। उठ मेरे बेटे, क्या बात, देख तेरे बाबूजी की इज्जत का सवाल है। और गिरा दे, गिरा दे शाबाश। बैठिए बाबू जी, बैठिए बैठिए बाबू जी। कौन बाबू जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ शाबाश बेटे शाबाश, जीते रहो जीते रहो। काशी, अरे ओ काशी, क्या है? क्यों रे, कहाँ रह गया था तू आज सारा दिन? खाना भी नहीं खाया? नहीं खाऊंगा। क्यों नाराज है? हाँ क्या हुआ? मैं जानता हूँ सब, समझ गया। अगर शिव भैया कहते तो फौरन बॉम्बे चले जाते। देखा नहीं आज आपकी कितनी तबीयत खराब हो गई थी, खून आ गया था। आप मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ ना, घाट पे मिल गया था। खबरदार जो फिर से ऐसी बात कही तो उठा के गंगा में फेंक दूंगा। तैर के आ जाऊंगा मैं, फिर से तुझे उठा के फेंक दूंगा। फिर से तैराऊंगा,
नहीं तो आपकी देखभाल कौन करेगा, आपके पैर कौन दबाएगा और फिर आपकी डांटे कौन सुनेगा? बस बस, जो मुंह में आता बोले जाता है, बहुत बातें बनाने लगा है तू। ठीक है, चला जाऊंगा बंबई, लेकिन खबरदार जो फिर से ऐसी बातें की तूने। लेकिन बंबई में जाके रहेंगे कहां? शिव भैया के यहाँ बाबूजी, शिव भैया के। नहीं नहीं, वहां तो कतई नहीं, एकदम गधा है वो। 7 साल हो गए उसे बंबई गए हुए, वहीं जाके शादी मना ली, बच्चा हो गया, वापस आने का नाम ही नहीं लेता, झंडू हो गया वो। तार दे आऊं? नहीं नहीं, पहले खाना खा ले, बाद में तार दे आना। नहीं पहले तार दे। अरे पहले खाना खा ले बाबूजी, पहले तार दे के आता। अरे काशी बात तो सुन काशी, ये भी झंडू हो गया है। कहिए सिंह साहब, आपके कारनामे बहुत सुन रहे हैं हम, आप जैसे बहादुर और ईमानदार अफसर की इस देश को बहुत आवश्यकता है। बस बाबूजी, आपके ही बताए रास्ते पर आगे चल रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर वापस आ जाएं। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, हम तो बंबई जाने वाले ही नहीं थे, ये वैद्य जी जबरदस्ती इलाज करवाने के लिए हमें वहाँ भेज रहे हैं। आपकी सेहत जल्दी अच्छी हो जाए इसीलिए तो भेज रहे हैं शंभुनाथ जी। जॉन है तौन से। बाबूजी, ट्रेन जाने वाली है बाबूजी, चले। अरे कूड़ दिमाग, हमें छोड़कर ट्रेन भला जा सकती है क्या? चलिए बाबूजी, बाबूजी। अच्छा, हर हर महादेव। अरे अरे काशी रुकना, मेरी टोपी गिर गई है। हाँ मिल गई मिल गई। चलो, अरे ये गंगा जल। अरे भाई, शहर तो कितना पीछे छूट गया। ड्राइवर साहब, पिछले 1 घंटे से चले जा रहे हो चले जा रहे हो, रास्ता तो तुम्हें पता है ना, सुनते नहीं? अरे भाई ड्राइवर साहब, सही पता तो मालूम है ना तुम्हें? मालूम है, सब मालूम है मुझे। लेकिन भाई साहब, ये बंबई शहर इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, क्या इसमें मेरा कसूर है? आपका बेटा इतनी दूर रहता है, इसमें मेरा कसूर है? मैं आपको सही पते पर पहुंचा दूंगा, लेकिन भगवान के लिए आप चुप बैठिए साहब। भाई साहब, जरा इन्हें समझा दीजिए। ठीक है ठीक है, क्या मुसीबत है यार? चुप कर, चलो। इतनी देर में तो बनारस से मुगलसराय पहुंच जाते। मैं बहुत तेज आदमी हूँ, ताम्र पत्र मिला है मुझे, गांधी जी के साथ घुमा हूँ, मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। देख रहा हूँ तुम्हारा मीटर भी बहुत फास्ट घूम रहा है। अरे मेरा भेजा क्यों घुमा रहे हैं आप? अरे मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मेरे मीटर के जो पैसे होते हैं मुझसे ले लेना, समझ लूंगा मैंने तीरथ किया है, मैंने गंगा नहा लिया है। अरे ऐसे कैसे पाप धुल जाएंगे? पाप धुलाने के लिए आपको बनारस आना पड़ेगा, गंगा नहाना पड़ेगा। आप वहाँ आइए, हम आपको हरीशचंद्र के घाट पर पूजा करवा कर स्नान करवा देंगे। आऊंगा, नहाऊंगा, सर भी बुढ़वाऊंगा, लेकिन अब मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई। अरे भाई ड्राइवर, टैक्सी वाले। अरे तार तो सही पते पर दिया था ना, पागलों की तरह चले जा रहे हैं। आदमी ना आदमी की जात, इस शहर को सांप सूंघ गया है क्या? कैसे निठल्ले लोग हैं बंबई के, आधे रास्ते में उतार दिया ससुरे ने, आदमी को पहचानते तक नहीं। ऊपर से ये शिव, आने दो उसे, कान खींच कर सीधा करता हूँ। बाबूजी वो देखिए, अपनी दुकान शंभुनाथ बुक सेंटर, आप ही के नाम बाबूजी। अरे काहे का नाम, मेरा नाम ही गलत लिखा हुआ है गधे ने, शंभुनाथ एक साथ लिखा हुआ है, शंभु अलग होना चाहिए, नाथ अलग होना चाहिए, शंभुनाथ। वेरी राइट बाबूजी, मगर दुकान तो मिल गई। अरे बंद दुकान के सामने कीर्तन करे क्या? ये शिव आता तो धूप में इस तरह भटकना नहीं पड़ता। बाबूजी धूप भी सेहत के लिए अच्छी होती है। उड़ा दूंगा एक। सारा बाजार बंद पड़ा है, कहीं एक पान की दुकान तक नहीं खुली। जाके पता कर। पान की दुकान बाबूजी? अरे झंडू, घर का पता कर, बुद्धू कहीं का, निकम्मा, बिल्कुल किसी काम का नहीं है तू। अरे बक्सा कहाँ लेके जा रहा है, रखना इसे भी। इसमें पैसे हैं बाबूजी।
कौन है रे तू? तेरे को महादेव ने भेजा? नहीं। अरे मरेगा, तू भी मरेगा, सब मर गए, तू भी मरेगा, कोई नहीं रहा, सब मर गए। Hey! Don't move! कौन है तू? पता नहीं क्या किया होगा इस गधे ने। कर्फ्यू में क्या कर रहा है? हिला मत! हट, हट, क्या कर रहा है? चल बैठ। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, कहां जाऊं मैं? देखो ना, आज ही होना था ये सब, स्टेशन कैसे जाऊं मैं? दरवाजा खोलो। कौन? पुलिस। पुलिस, हट, हट। कौन पुलिस? जल्दी खोलो। ये बोलता है तुम्हारा बाप और भाई है, इनको पहचानता है क्या? अरे पहचानो। पिताजी आइए आइए आइए। आ जाओ जाओ। बेवकूफ, क्या मालूम किधर से मरने को आ जाता बॉम्बे में। मरने? सदा सुहागन रहो। ये लो बेटा, ये गंगा जल है, इसे संभाल के रखो। हैं? सफर कैसा रहा पिताजी? बकवास रहा, तू आया क्यों नहीं स्टेशन पर लेने के लिए? मैं आ ही रहा था, वो अचानक बस, बस। ओ बेटा, काशी। कैसा है तू? तेरे बाप का बाप हूँ मैं, दादा। मैं तेरा चाचा। भाऊजी, पाए लागू, पाए लागू। अरे नहीं काशी, शीला को आदत नहीं इसकी। शहर में अच्छी चीजों की आदत होती है भला किसी को? आदत नहीं है। अरे शीला, ये सुई धागा कहीं भी रख देती हो तुम। वो सी रही थी दरअसल। अच्छा खासा घर छोड़कर इस घोंसले में बसे हुए हो। ओ। कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पिताजी। पिताजी, मैंने डॉक्टर से आपके लिए टाइम भी लिया है। डॉक्टर से टाइम लिया? जी हाँ, आपने वो लिखा था ना, गले में कुछ तकलीफ है। हाँ हाँ हाँ, लिखा था मैंने। अभी तो आया हूँ, कुछ दिन आराम से रहूंगा, फिर देखूंगा। आप जितने दिन चाहे रहिए, आपका अपना घर है पिताजी। पैखाना किधर है? उधर है पिताजी। रसोई घर के साथ? मेरे को डर लगता है बिल्ली से। अरे मुन्ना बहादुर, बिल्ली तुम्हारे घर में घुसकर आती है और तुम्हें डराती है, तुम डरते हो? हाँ? नहीं, चलो भगाओ इसे, भाग भाग। भगा दिया, भगा दिया, भगा दिया। अच्छा चलो मुंह खोलो, और खोलो, थोड़ा और मुंह खोलिए, थोड़ा और। अरे भाई और कितना खोलूं, आदमी हूँ भैंस नहीं। ठीक है ठीक है। और कुछ देखना? नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं देख लीजिए। नहीं नहीं और कुछ नहीं देखना है। देखिए ऐसा है, अभी उठ जाऊं? हाँ बाबा उठ जाइए, ये मैं कुछ जरूरी दवाइयां लिखकर दे रहा हूँ। कमीज पहन लूं? हाँ भाई पहन लीजिए। जब खांसी तो खून आया था। हाँ हाँ पूछता हूँ, ठहरना। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? हाँ कुछ टेस्ट करवाने हैं, जिसके लिए दो चार दिन अस्पताल में भर्ती करना होगा, एडमिट होना होगा। वैसे घबराने की तो बात नहीं है ना भाई, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, पहले टेस्ट करवा लीजिए। पहले टेस्ट होंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर इलाज होगा। इससे अच्छा तो हमारा वैद्य मिश्रा ही था, जो नबज देखकर बीमारी बता देता था। वो डॉक्टर साहब, जरा वो डॉक्टर साहब, बाबूजी कब तक ठीक हो जाएंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, आप पहले अस्पताल में एडमिट करने की सोचिए। जटा टवि गलत जलद प्रवाह पाप विपस्थले गलेवा लंब लंबिताम भुजंग तुंड मालिकाम दमक 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 दमन्नी नाद वरवर वयम चकार चंड तांडवम तनो शुना शिवा शिवम। अबे मरवा दिया ना मुझे, गला हुआ नारी चढ़वा दिया मुझसे। अरे भोलेनाथ जी तेरे साथ साथ मुझे भी भस्म कर देंगे। राम 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 राम। वो क्या है कि वैसे भोलेनाथ जी तो बड़े भोले हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो अपनी तीसरी आंख खोल के सामने वाले को जला के भस्म कर देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। पार्वती तक को नहीं छोड़ा,
उनकी पत्नी, उन्हें भी जला दिया। हाँ, बाद में ठीक भी कर देते हैं। क्षमा करना भोलेनाथ जी, लड़की आपकी महिमा को नहीं समझी। देखिए सजदे के मरने के बाद ये मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक फैसला नहीं होगा ये दुकानें चलेंगी, हम यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। नो कंस्ट्रक्शन। आप अरे अरे कागजात तो तेरे नाम पर ही है ना? वो सब तो है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। यहाँ सब कुछ कात्या की मर्जी से होता है। कात्या यहाँ के कलेक्टर साहब है क्या? पिताजी आप खाना खा लीजिए। अरे वो तो खा रहा हूँ, पर ये कात्या है कौन? बहुत खतरनाक आदमी है, गुंडा है यहाँ का, इसलिए हमको जबरदस्ती निकाल रहा है। सात भाई हैं, सात सातों के साथ हरामी, उनका कुछ नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया यहाँ, सभी कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता। निकले थे बापू लाठी लेकर, गांधी जी, मैं भी गया था उनके साथ, लड़े आजादी के लिए और हासिल की, दुड़की लगवा दी थी अंग्रेजों की। पिताजी ऐसी बातें वो हमारा साथी सचदेव करता था, मगर हुआ क्या, दिन दहाड़े बीच बाजार में मारा गया। बेचारी मालती पागल हो गई, आदमी को तो गाजर मूली की तरह काटता है वो। मम्मी। अरे जरा भी अकल नहीं है तुझे, एक छोटे बच्चे के सामने खून खराबे की बातें कर रहा है। अरे क्या हुआ मुन्ना बहादुर को? कातिया मार डालेगा सबको। अरे ऐसी की तैसी कातिया की, जब 10 सर वाले रावण को राम जी ने मार दिया तो 1 सर वाले कातिया को तो अपना मुन्ना बहादुर मारेगा। मारेगा ना, मारेगा, हाँ 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 मारेगा ना। मारेगा ना। अरे आप, नमस्ते जी, हमने तो सुना था कि बंबई में लोग खो जाते हैं, लेकिन आप फिर मिल गई, अच्छा लगा। मैं यहाँ नया हूँ। अच्छा, बनारस से आया हूँ। आप यहीं की हैं? जी हाँ। लगा कहीं काम करती हैं आप? जी हाँ, मैं अस्पताल में नर्स हूँ। अरे अस्पताल में तो मैं भी हूँ। जी, मेरा मतलब मैं अपने बाबूजी को हर दूसरे दिन अस्पताल लेकर जाता हूँ, उनके गले में तकलीफ है, उन्हीं के इलाज के लिए हम बनारस से यहाँ आए हैं। लेकिन मैं अस्पताल आता जाता रहता हूँ, आप कभी दिखाई नहीं दी, क्यों? बंबई में एक ही अस्पताल थोड़े ही है। वेरी राइट, वेरी राइट। वैसे आप अभी अस्पताल जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आज तो मैं घूमने जा रहा हूँ बंबई देखने। मैंने अपने भैया से कहा मुझे घुमाने के लिए, उन्होंने कहा भाई काशी मेरे पास तो, मेरा नाम काशीनाथ है, सब काशी कहते हैं, काशी। उन्होंने मेरे हाथ में बस का नंबर थमा दिए और कहा, आपका क्या नाम है? गौरी, और सब लोग मुझे गौरी ही कहते हैं। वेरी राइट, वेरी नाइस। हाँ तो गौरी, बस ऐसे ही अब मैं बंबई घूमूंगा, 80 नंबर की बस पकड़ के बांद्रा, 84 लिमिटेड हाजी अली, 55, अरे 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 हाजी अली में फल के रस जो पीने हैं। आप हंस रही हैं? चलिए मैं आपको शहर घुमाती हूँ। सच्ची? हाँ। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पहले बस को तो आने दीजिए। हाँ, आपके अमिताभ बच्चन का घर, बहुत चाह थी ना तुम्हें देखने की। भाई वाह, मजा आ गया। बात है, भैया घर पे होंगे? भैया? अमित भैया, वो रहे इलाहाबाद के, हम ठहरे बनारस के, दोनों गंगा किनारे वाले।
तो रिश्ते में भाई हुए ना? वो तो हुए भाई। Excuse me, sir. One last question. आप अपने चाहने वाला से कुछ कहना चाहेंगे? यही कि जात, जबान, धर्म के नाम पर इस महान और खूबसूरत देश के टुकड़े न होने पाए। देखिए, ये देश एक घर की तरह है, हमें इसमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। पूरे घर का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ अपने अपने कमरों का नहीं। कमरे तभी बने रहेंगे जब घर बना रहेगा। थैंक यू सर। लगता है भैया ने पहचान लिया तुम्हें। क्यों नहीं, रिश्ता ही कुछ ऐसा है भाई, मजा आ गया। नहीं नहीं, आप वहां मत देखिए। क्यों? बड़ी बदनामी वाली बात हो रही है। पसले के भाग रहा था चुट्टा। तुम्हारा निशाना तो कमाल का है। अरे भाई, इसमें कमाल क्या, बचपन में चार कच्चे आमों के बीच एक पक्के आम को मैं ऐसे ही गिरा देता था, वो भी इतने से पत्थर से। अच्छा, यहाँ पर तो इतना बड़ा नारियल और उस घोचू का सर तो उससे भी बड़ा गिरना ही था। भाई मजा आ गया। हाँ भाई मजा आ गया। खत्म हो गया? आपका नारियल खत्म हो गया जी? ओह सॉरी। कोई बात नहीं, चले। शिवा, ये कात्या को तो पता है ना कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने खबर भेजी थी। हाँ। ए, मैंने सुना है जो लोग शिकायत लेकर आता है उसको कात्या इस खंबे के अंदर गाड़ देता है। क्या? हाँ, इधर आया वो आदमी कभी बाहर जाते देखा नहीं किसी ने? देखो चल चल, ये लोग बदमाश के लिए बदमाश और अच्छों के लिए अच्छे होते हैं, हम लोग के लिए ठीक है। मेरे को खंबा दिखा करके याद आया। अरे चुप हो जा, तुम्हें हमेशा याद आता है। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। सिपाही है, सिपाही लेने आया है, चुपचाप पीछे पीछे आ जाओ। वो फालतू है, फालतू है। अरे ये फालतू है, हम फालतू है क्या? बोलो। सर, ये लोग कुछ कहना चाहते हैं। वो हमारी दुकानों के सामने एक वो कुछ कुछ दिन पहले कुछ गुंडे लोग आ गए थे। वो मेरे कहने का मतलब कुछ लोग आ गए थे। अच्छा, अच्छे, अच्छे लोग। वो दुकान अब चलती नहीं। अब बहुत मुश्किल है, दुकान के सामने सब सामान आ गया। वो डाल दिया सामने, हट जाए तो हम लोग पत्थर वगैरह के जरिए तो वही है ना। जरा गोपाल, आप भी कुछ। गोपाल, वो कानून वाली बात बोलना। हाँ गोपाल, तू बोलना रे, बोलना गोपाल, बोल। अरे डरता क्यों है, बोलना बोल। मैं नहीं, वो ये कहना चाहता है कि वो कोर्ट ने भी फैसला दिया है। जीजा जी के सामने कोई आवाज उठाकर बात करे, ये सिपाही को अच्छा नहीं लगता। ओ सॉरी, कहने का मतलब था कोर्ट ने भी फैसला। नहीं, अदालत अपनी जगह पे। हम आपके साम्राज्य में 25-30 साल से हम लोग अपना धंधा चला रहे हैं। हम गरीबों का पेट पल रहा है। आप जो तय करेंगे। जीजाजी के सामने कोई उंगली उठाकर बात करे, ये भी सिपाही को अच्छा नहीं लगता। आप जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। हाँ, दुकान के सामने दुकान अब्दुल रज्जाक।
गोल चौक को खाली करने के लिए तुमने कितने दिन मांगे थे? एक महीने में खाली करवाना था। हो गया ना एक महीना, एक उंगली काट दो। मामूली सा काम भाई। लोग कहते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर होता है, मैं तो कहता हूं कि नर्स भी होती हैं। कितनी सेवा करती हैं आप लोग भाई, आप लोगों को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। बस बस मेरी बात छोड़, तुम अपने बारे में कुछ कह रहे थे। मेरी स्टोरी में रखा ही क्या है, वेरी सिंपल स्टोरी। इतना सा था जब मैं बाबूजी को गंगा घाट पर पड़ा मिला, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। सगे बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं मुझे। शिव भैया ये बात कभी नहीं मानेंगे, मगर वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। सभी प्यार करते हैं मुझे। बाबूजी तो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, मगर पढ़ाई इस भेजे में घुसी ही नहीं। लोहे के कारखाने में काम करता हूं मैं। वैसे मैं बहुत क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट हूं। तुम्हारा मतलब है क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट? वेरी राइट, वेरी राइट। बाबूजी लेकिन समझते ही नहीं, हमेशा मुझे कूड़ दिमाग कहते रहते हैं। क्या मैं तुम्हें कूड़ दिमाग लगता हूँ? सुन तो, निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना, निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना, सुनकर कहीं ना तुम बुरा मान जाना। मैंने किया है प्यार पहले बार, मैंने किया है प्यार पहली बार, निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना, सुनकर कहीं ना तुम बुरा मान जाना। मैंने किया है प्यार पहली बार, मैंने किया है प्यार पहली बार, निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना।
दे चुका, कैसे न चाहे अपने घर का ताला खोलने में इतनी देर लगाते हो, इससे जल्दी तो बिना चाबी के चोर खोल देगा इस ताले को। नहीं बाबूजी, हो नहीं सकता। वो क्या है कि ये ताला जरा पुराना है, इसलिए कभी कभी चाबी फंस जाती है। चाबी फंस जाती है? ये काशी भी कमाल करता है, पता नहीं कहां चला जाता है। ये बहू को इतनी भी खबर नहीं है कि हम अस्पताल से वापिस आने वाले हैं, कम से कम घर में तो रहती। वो मुन्ने को लेने गई होगी बाबूजी, शायद बस या ट्रैफिक में फंस गई होगी। फंस गई होगी, जा जाके पानी लेके आ। अभी लाता हूँ, आप बैठिए। जाना, ये बंबई भी अजीब शहर है। कोई बस में फंस जाता है, कोई लोकल ट्रेन में फंस जाता है। यहाँ आदमी बीमारी के साथ तो बाद में मरेगा, पहले भीड़ भड़क्के और धुएं धक्के से ही मर जाएगा। आदमी को आदमी नहीं समझते यहाँ तो। बिना उसकी मर्जी से उसे लोकल ट्रेन के अंदर धकेल देते हैं और बिना उसकी मर्जी से उसे बाहर फेंक देते हैं। बाबूजी, आप अस्पताल से जल्दी आ गए? दूंगा एक हूरा। अरे कूड़ दिमाग, मैं जल्दी आ गया हूं या तू देर से आया है? कहां गया था? बाबूजी मैं फंस गया था। तू भी फंस गया था? नहीं नहीं नहीं, किसी से मिलने गया था। किससे मिलने गया था? गौरी नर्स है बाबूजी, जान पहचान बढ़ा रहा था, मदद करेगी। शी हेल्प अस्पताल टाइम। नो टॉक इंग्लिश विद मी, आई फॉरगेट माई इंग्लिश। थैंक यू। शट अप। अरे काशी, तू आ गया, देख लिया कुछ है? वो बाबूजी मैंने से कहा था कुछ शहर वहर देख लो। अरे कूड़ दिमाग, ये यहाँ मेरे इलाज के लिए आया है कि सैर सपाटे के लिए आया? अरे भाई, मैं तो रोज रोज के धक्कों से तंग आ गया हूँ। या तो मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दो और या फिर वापस बनारस। बाबूजी ये पानी पी लीजिए। क्या बात है यार? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। हाँ? बाबूजी की तबीयत काफी खराब है, एक कमरा दे दीजिए ना प्लीज। अरे भाई मैं तुमको बार बार समझा चुका हूँ कि हॉस्पिटल में मरीज के लिए जगह नहीं है। अरे हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे यहाँ क्या काम है यार, कुछ भी तो नहीं, यहाँ का काम समझे। एक मिनट, डॉक्टर ने चिट्ठी दी है। डॉक्टर ने चिट्ठी दी है तो डॉक्टर साहब के घर में ही मरीज को दाखिल करवा दीजिए। अरे भाई जब जगह नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे सर पे खटिया बिछा दूं बाबूजी का? दाखला हो गया? नहीं बाबूजी, कहता है जगह नहीं है। नहीं हुआ? अरे तुमने उनको बताया नहीं कि मैं कौन हूं? गांधी जी के साथ साथ चला हूं आंदोलन में। बेटा वो शिव कहां है? वो भी किसी से बात कर रहे हैं। बातें बातें बातें, बस इन लोगों को बातें करनी आती है और कुछ नहीं। साहब वार्ड बॉय या आया वगैरह से पहचान हो तो काम जल्दी हो जाता है। हाँ ठीक है ठीक है। ये जाके दिखा उनको, देखता हूं कैसे नहीं देते हुए दाखला। जा जाके दिखा, जाना। और फिर लड़की। भाई साहब, भाई साहब क्या है ये? देखिए ये क्या है? ताम्रपत्र। ये ताम्रपत्र क्या है? ये मेरे बाबूजी को देश की सेवा के लिए मिला है।
उन्हीं के लिए कमरा चाहिए। हाँ सर, जी सर, अभी आया। गांधी जी के साथ साथ मेरे बाबूजी भी देश की आजादी के लिए लड़े थे। क्यों लड़े? आजादी की जंग? क्या पाया हमने आजादी हासिल करके? ये आजादी से तो वो गुलामी अच्छी थी। सारे देश का सिस्टम बिगड़ चुका है। चले आते हैं ताम्रपत्र लेकर अस्पताल। अरे किसी रद्दी की दुकान में चले जाते तो अच्छा था। अरे भाई मैंने कहा ना तुम जाओ, जगह नहीं है, अब तुम मुझे आजाद करो। बेकार में धक्के खाने से कुछ नहीं होगा। ₹1000 लाओ तो साहब से बात करूं, अगर समझ में आए तो पीछे बाजू आ जाना। मिल गया दाखला। कौन सा कमरा मिला? अरे जवाब क्यों नहीं देता? कौन सा कमरा मिला? नहीं मिला। निकम्मे हो तुम लोग। ये जाकर ताम्रपत्र दिखाया कि नहीं तूने? दिखाया दिखाया ये ताम्रपत्र। क्या तेरे कचरे के डब्बे में फेंक दो इस ताम्रपत्र को। क्यों लड़े आप आजादी के लिए? क्या मिला आपको इस आजादी से? जिस गांधी की तस्वीर लगा रखी है वो उसे नहीं पहचानते तो आप क्या हैं? अरे भाई साहब जरा शांत हो जाइए आप। अरे यहाँ एक आदमी मर रहा है और वो टेलीफोन में गप्पे मार रहा है, नॉवल पढ़ रहा है और सारा उसका भड़वा कहता है ₹1000 दो दो जगह मिलेगी। बैठो भाई बैठो बैठो। अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग, जानवर समझते इंसान को। कसाई खाना बना रखा है इस अस्पताल को। अरे ये गरीब मर जाएगा यही इस बेंच पर और देखते रह जाएंगे सब लोग। काशी क्या हुआ? चुप हो जाओ। ए, एक हो गई जगह, हो गई एडमिशन, हो गया बाबूजी का। चल चले चले बाबूजी, चल चले। गुड, भरत भाई से कह दो उनका काम हो जाएगा। ओके सर। नोटों का सप्लाई बंद नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक है। अरे सावित्री सावित्री देखो लक्ष्मी आई है। कौन लक्ष्मी? कहाँ है? अरे यहाँ है, इस लक्ष्मी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। कितनी बार कहा है तुमसे, तुम्हारी रिश्वत की कमाई मेरे हाथ में मत दिया करो, तुम्हारी तनख्वाह में मेरा घर चल जाता है। चल पिंकी। फिर शुरू हो गई ना तुम। अरे मैं सब अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये सब तो मैं अपनी पिंकी के लिए कर रहा हूँ ताकि दुनिया भर के ऐशो आराम में जी सके, कुछ दुख ना पहुंचे। लेकिन तुम्हारी ये जो टेढ़े 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 बंद नहीं होती, मुझे हमेशा डर लगा रहता है तुम्हारी पाप की कमाई से हमारे घर की सुख शांति में आग न लग जाए। बस करो जी। आप लोग यहाँ क्या हुआ? कल कुछ गुंडे आकर मिश्रा जी का दुकान लूट ले गए। हाँ, भाई लो पुलिस में कंप्लेंट करनी थी वो तो हमने कर दी है। लेकिन आज सवेरे दो गुंडे आकर इनके लड़के को बहुत मारा सर। बहुत मारा साहब, बहुत मारा। उसका हाथ तोड़ दिया, उसका सर भी फोड़ दिया। कुछ कीजिए हुजूर। अब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर कहता है ये पुलिस केस है, पुलिस कंप्लेन करा। अब कल सर ये कंप्लेन कराए तो ये हुआ, अब दोबारा कंप्लेन कराए कि नहीं कराए। हाँ सर। प्रॉब्लम वो नहीं है, अब हर आदमी की हिफाजत के लिए मैं कॉन्स्टेबल तो नहीं रख सकता हूँ ना। बरोबर। चलो मानते हैं चार कॉन्स्टेबल मैंने चौक पे रख भी दिए, लेकिन उनके हटते ही वो गुंडे फिर आएंगे फिर मारेंगे। प्रॉब्लम तुम्हारी वो जमीन है, वो जगह है। अरे जितनी जल्दी हो सकता है वो जमीन कात्या को देकर वहां से बाहर निकल जाओ, बस प्रॉब्लम सॉल्व। इंस्पेक्टर साहब, जमीन इनकी है, दुकानें इनकी हैं, वजह इन सबको बाहर करने के उन दो गुंडों को आप अंदर क्यों नहीं करते थे? ये कौन? काशी है, बनारस से आया है। वो शिवा है ना, उसका छोटा भाई है। वो अपने बाबूजी को लेकर अस्पताल चला गया, वो एब्सेंट हो गया तो ये आ गया, क्योंकि दो से भले चार, चार से भले ये। नमस्ते करो ना। ये एक नया प्रॉब्लम है। मम्मी, क्या हुआ बेटी? खून? क्या हुआ बेटी? फिर भाई ब्लेड? क्या कितनी बार कहा शाम का? अरे क्या हुआ क्या हुआ, क्या कर रही हो तुम? जाओ ना, देखो कट गया, खून निकल रहा। जाओ देख क्या रही हो, फोन करो डॉक्टर को, डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो, हम लोग वहीं आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा बेटी। पूरा कट गया? हाँ, बहुत खून निकला लगता है। अब मेरे बेटे का क्या होगा? वो बाद में देखेंगे, चलें। अरे भाई पहुंच गए। ए, हुरा दूंगा हुरा। कैसे चलाते हैं रिक्शा? ये हमारी दुकान है, आज छुट्टी है क्या? काहे की छुट्टी, उस तरफ की तो सारी दुकानें खुली हैं। हाँ वेरी राइट, भैया ने तो कहा था कि वो यही मिलेंगे।
यहाँ की भी सब दुकानें बंद हैं? कहाँ गए सब लोग? मर गए सब, सब मर गए। इधर आओ, इधर आओ, सब मर गए, सिर्फ मैं जिंदा हूँ, मैं। ए, तेरे को महादेव ने भेजा? हाँ, ये सचदेव का दुकान है, सचदेव का, हमारा दुकान है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? यहाँ सब मिलता है, शादी का जोड़ा भी मिलता है, शादी का। ए, ए, मारता है, तू पागल, तेरा बाप पागल, अरे मर जाएगा, तू भी मरेगा साला, तू भी मरेगा। न जाने क्यों, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इसकी आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। इज्जत से जीने की कीमत चुकाई है इसने और इसके पति सचदेव ने। ये लोग आज से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन? हाँ। लेकिन हमारे धंधे का क्या होगा? हम लोगों की सारी दुकानें। कौन सा धंधा काका, वैसे भी हम लोग मुश्किल से महीने में 7-8 दिन तो दुकानें खोलते हैं। तो क्या, फिर भी कुछ तो। बिल्डिंगें कितने दिन में खड़ी हो जाएंगी? ए, ये बिल्डर का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, ये रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर देता है। क्या? नहीं, ऐसा मैंने सुना है, लोग बोल रहे थे। अरे साला, अरे मरेगा तू, उसको ले जाओ यहाँ से, इतना तो भाई मरेगा, ले जाओ, ले जाओ, चल, मरेगा आराम से, ले जाओ यहाँ से, तू मरेगा, अरे तू मरेगा, अरे रोको उसे, उनको तरसेगा, रोको उसे, तेरे पाप का घड़ा फूटेगा, तेरे वंश को पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा साले, तूने देव को मारा, मैं तुझे मारूंगी कुत्ते, तेरा बाल। ये लो जीजाजी, मटका तो आपके क्रियाक्रम से कार्यक्रम से पहले ही फूट गया। मरेगा, 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 ले जाओ इसे। बाबूजी, बाबूजी, कितनी देर लगा दी तूने? क्या करूं बाबूजी, यहाँ आने के लिए 3 बार बस बदलनी पड़ती है। वो सिस्टर कह रही थी कि हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों बाबूजी? अरे मुझे क्या पता, जा जाके पूछ डॉक्टर से जी। उसे कहना कि तकलीफ और बढ़ती जा रही है, कैसे होगा, जा जाके पूछ। अरे जाना। हाँ जा रहा हूँ बाबूजी, जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बाबूजी को घर जाने के लिए कहा? हाँ काशी, तुम्हारे पिताजी कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं। लास्ट स्टेज? आई एम सॉरी काशी, काफी देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? इतना बड़ा अस्पताल, आप इतने सारे डॉक्टर, आप एक बार फिर से देखिए ना बाबूजी को, हम पूरी उम्मीद लेकर आए थे। देखिए डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ बेच देंगे, लेकिन आप बाबूजी को बचा लीजिए, बाबूजी को बचा लीजिए। काशी, तुम्हारे पिताजी अब सिर्फ 1-1.5 महीना और बस, इसीलिए मैंने सोचा है कि उनके जितने भी दिन बचे हैं वो उनके घर वालों के साथ गुजरे, इसलिए उन्हें घर ले जाओ। नहीं काशी, हिम्मत से काम लो, अगर तुम इस तरह टूट जाओगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा, अपने को संभालो काशी।
क्या कहा डॉक्टर ने? बाबूजी डॉक्टर ने कहा है कि घर पर दवाई लेकर आप ठीक हो जाएंगे, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अरे पर बताया नहीं तूने कि मेरी दर्द तो बढ़ती जा रही है। बाबूजी उन्होंने दवाई दी है, उसे ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेटा यहाँ मैं रहूंगा तो कभी कोई जरूरत पड़े डॉक्टर है नर्स है। बाबूजी आप घर में सब अपनों के बीच आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है ठीक है, फिर हम बनारस ही चले जाएंगे। वो शिव और बहू को भी साथ ले चलते हैं, मुन्ने का मुंडन भी करवाना है। वो मंदिर की सड़क जो बनने वाली है उसकी भी सैंक्शन लेनी है, स्कूल का उद्घाटन करवाना है, ये सब काम मेरे वहां होते हुए जल्दी ही हो जाएंगे दो चार महीने में। अच्छा बेटा, देखो बेटा, जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच्चाई है, उसे तो स्वीकारना ही पड़ेगा। हौसला रख बेटा, हौसला रख, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, बची कुची जिंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूं, बस यही भोलेनाथ से प्रार्थना है। बेटा मन छोटा ना कर, तू तो बहादुर बेटा है मेरा, चल बेटा, चल, चल बेटा। ना ना बेटा, ना काशी, ना ना, ना काशी, चल, चल बेटा, चल, देख लेगा, चल, चल बेटा, चल, उठ, उठ बेटा, और देख, घर में किसी से मत कहना, वो खाम खा परेशान होंगे, किसी से नहीं कहेंगे हम। अच्छा चल बेटा, उठ उठ, चल उठ, उठा समा, उठ, चल बेटा, उठ, उठ बेटा काशी, उठ, आजा। छोकरे हट जा यहां से, हट जा, हट, नहीं कोई बीच में नहीं आएगा। काशी चलो यहां से, कत्या का आदमी बहुत डेंजरस है।
आप भी मजाक कर रहे हो दादा, हमारे आदमी साले मार खाकर आ रहे हो और आप हंस रहे हो। भाई हंसू नहीं तो क्या करूं? अब जरा सोचो, भरी बाजार में एक अकेला आदमी हमारे 10-10 आदमी को मार रहा है, क्या नजारा होगा? बड़ा अच्छा नजारा होगा जीजाजी, काश हम सब भी देख पाते। चुबे, तेरी पतलून उतार कर सरे बाजार नंगा दौड़ाऊंगा, फिर सब तेरा नजारा देखेंगे। चिकन दे चिकन, टंगड़ी दे टंगड़ी। हाँ बोल, तेरे साथ क्या किया जाए, बोल बोल। दादा एक मौका और दे दीजिए, दादा मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। हमारे लिए जान भी दे देगा, चलो हम तुम्हारी जान ले लेते हैं। जो इसे शेरा के पिंजरे में डाल दो। काशी काशी काशी, चल 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 मेरे साथ। अरे छोड़ी चला, चल चल मेरे साथ जल्दी चल। क्या हुआ हुआ शीला, किसी से झगड़ा हुआ क्या? अरे मतलब क्या हुआ? पता नहीं बाबूजी, चल चल। अरे मैं बाबूजी को नहीं बताऊंगा, कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। हां मगर शीला क्या हो रहा है, किधर लेके जा रहे हो काशी को? बाबूजी जिन लोगों पर तुमने हाथ उठाया है ना, वो कातिया के आदमी है, कातिया के। बीच बाजार में काट देता है वो आदमी, ये तुम्हारे बनारस का चौक नहीं है। हाँ जानता हूँ ना, मर्दों का शहर है ये। बीच बाजार में एक औरत को घसीटा जाता है, मारा जाता है, बस खड़े होकर तमाशा देखो, जो मदद करे वो गधा बेवकूफ। तो कौन सा तीर मारा तुमने, क्या किया तुमने है? आज तुम बीच में पड़ गए, लेकिन कल कल वो उसे दोबारा मारेंगे तो फिर मारूंगा मैं, फिर मारूंगा उन्हें। अगर मेरी आंखों के सामने ऐसा होगा तो मैं फिर मारूंगा उन्हें। मैं नहीं देख सकता ये सब कुछ, नहीं देख सकता। काशी अगर बाजार में भाभी का कोई हाथ पकड़ ले तब भी आप मुझसे यही कहेंगे? काशी कहाँ है काशी? यहाँ नहीं है। बाहर से आके बॉम्बे में दादागिरी करता है, गुंडा पालता है, कहाँ है काशी? निकाल साले को, उसने क्या किया है? चार काबून डाकर काबून। मुन्ना चाहिए ना तो काशी को ले आओ और मुन्ना को ले जाओ, वरना इस पिल्ले का कीमा बना डालेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार देंगे ना मुझे, मार जाऊंगा, लेकिन बाबूजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। भैया आप नहीं जानते कि डॉक्टर साहब ने कहा है बाबूजी को गले का क्या? वो कोई सगा लगता है बाबूजी का क्या? मैं बेटा हूं उनका, मैं, मुझे भी चिंता है उनकी। काशी देख तू, तू समझने की कोशिश कर, तेरे यहां रहने से हम सबको खतरा है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तू पिताजी की चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा उन्हें। तू ऐसा कर, तू ये पैसे रख ले, यहां से सुबह सुबह ट्रेन जाती है, तू उसी में चला जा, तेरा यहां रहना ठीक नहीं है, मैं चलता हूं। ये जानते हुए भी कि काशी की जान को खतरा है, तू उसे वहां अकेला छोड़ाया इस अजनबी शहर में, तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे क्या बुजदिल कहीं का? अरे वो तेरा सगा भाई नहीं है तो क्या हुआ, भाई से भी बढ़कर है वो, तुझ पर जान छिड़कता है, तुझसे अच्छा तो वो है। जब तू यहां चला आया था ना कुछ बनने के लिए, तब उसने देखा था मुझे वहां, एक बेटे के सारे फर्ज निभाए थे उसने। खरा सोना है मेरा बेटा काशी, खरा सोना। अब मैं यहां नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा अपने काशी के पास, वही जाके दम तोड़ूंगा। चार आदमियों की जरूरत नहीं है मुझे, सुन ले, अकेला काशी ही काफी है मुझे कंधा देने के लिए। अरे बुत बनकर कब तक बैठा रहेगा, मुन्ना को कौन लेकर आएगा? वो लोग कह गए हैं कि मुन्ना को ले जाने के लिए पहले काशी को लेकर आओ, तेरा भाई काशी तो यहां है नहीं, तो मुन्ना कैसे आएगा? अगर मुन्ना को कुछ हो गया तो? भोलेनाथ, भोलेनाथ तेरी हमेशा कृपा रही है हम पर। बिट्टो कातिया कहाँ है? अरे काशी बात क्या है इतनी रात को, कातिया? हाँ कातिया चाहिए, चलो कातिया के पास। अरे लेकिन हुआ क्या? मुन्ना को लेके, पिंटो मुन्ना को, उन्हें काशी चाहिए, काशी मिलेगा, चलो कातिया के पास। अरे मगर कातिया, अरे चीट डालूंगा, फाट डालूंगा कातिया को, अगर मुन्ना को खरोच भी आया तो। नहीं नहीं काशी तुम सबर करो, मुन्ना को कुछ नहीं होगा, गॉड उसको देखेगा, और कातिया को ऐसे कोई जाकर नहीं मिल सकता, उसका भाई लोग का भी पता नहीं रहता है।
तू कल शाम को अंत्या को मिल सकता है। रोज शाम को वो गल्ला लेने के लिए सिटी लाइट क्लब पे आता है। यहीं से रिक्शा ले लेते टोनी। हाँ, काशी यहीं से मिलेगा वो। हाँ अंत्या मिलेगा ना। तू फिकर मत कर, वो रोज आता है इधर, दो आदमी। चल इस जगह पर नहीं जाना तू। हाथी का दिखाने का दांत अलग होता है और खाने का अलग होता है। अंदर चल, कुछ और ही जलवा है, उधर देखेगा तू। Thank you.
मुझे जाने दो चंद्रू, वो चला जाएगा। अरे बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, मगर होता क्या है? कुछ नहीं। ए, क्या हुआ? कुछ नहीं। तू उसे जानता है क्या? कहीं ये वो गौरी तो नहीं? नहीं। ये लो भाई, आज का कलेक्शन। इतना कम? काशी अंत्या, ये धंधा इतना कम हो रहा है या कुछ चोरी कर रहा है? ऐसा कर, तू जाके चंदू को दे। भाई, ये माल अंदर कर। अगर तू ऐसा करेगी गौरी तो कैसा चलेगा? क्लब वाले तो निकाल देंगे ना, और हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो तेरी दीदी का इलाज कैसे कराऊंगा? क्या होगा? कुछ नहीं, बहुत से टेस्ट करवाने बाकी हैं। अब तू ही बता। घोड़ी जब लंगड़ी हो जाए तो उसे गोली मार देते हैं, इंसान का क्या करें? कुछ नहीं। अपने बीवी के बारे में इस तरह बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ नहीं। ठीक है, बच्चा मिलेगा मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अकरम खान पख्तूनी से लड़ना पड़ेगा। मुन्ना के लिए मैं किसी के साथ भी लड़ सकता हूं, बहुत डेंजरस है। ये आदमी को मारता है और फिर उसके बाद उसका दिल निकाल लेता है, ऐसा सुना है मैंने। काशी का दिल निकालने के लिए दिल चाहिए।
अच्छा किया जीजाजी जो रोक दिया, वरना सात भाइयों की जगह छह रह जाते। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। काशी क्या दादा, साला हमारे अखाड़े में आके हम ही को चुनौती देके चला गया। इसकी मौत सोचनी पड़ेगी। गौरी, ओ गौरी। हाँ दीदी, क्या हुआ? आजकल बहुत बूझी बूझी रहती हो, क्या बात है? काशी सनबन हो गई है क्या? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं दीदी। तुम तो कह रही थी काशी घर आने वाला है, कब आ रहा है वो? वो नहीं आएगा दीदी, नहीं आएगा। क्यों? उसने मुझे क्लब में देख लिया था। तो मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं क्लब में। क्यों क्यों नहीं बताया था? तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम अपनी मर्जी से नहीं, अपनी अपाहिज बहन को जिंदा रखने के लिए नाच रही हो। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम भी। कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें, क्यों बर्बाद कर रही हो मेरे लिए अपनी जिंदगी को? काश मैं ही मर जाती तो। ऐसा मत कहो दीदी। गौरी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू काशी को सब कुछ बता दे, वो समझ जाएगा। मुझे विश्वास है वो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। काशी मेरी बात सुनो। अब सुनने को रहा क्या है, जो देखा वो काफी नहीं? अब जो भी नई कहानी है इन्हें सुनाओ, भोले हैं यकीन कर लेंगे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सच क्या है। चंद्रू की वजह से हमारी ये दुर्दशा हुई। मैंने कई बार तुम्हें बताना चाहा, मगर तुम्हें खो देने के डर से मैं चलती हूं काशी। मैं बाबूजी को कल बनारस लेकर जा रहा हूं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वो चाहते हैं कि उनके बचे हुए दिन वो शांति से गुजार सके। मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने, चलोगी ना मेरे साथ? शिव, मैं तो कहता हूं कि तुम भी साथ चलते तो अच्छा होता। पिताजी, अभी ये दुकान उकान का फैसला होना है ना, और फिर मुन्ने का स्कूल भी है, मैं अभी नहीं आ सकता। अच्छा भैया, कहा सुना, माफ करना। अरे ऐसा क्यों कहता है? अरे देख, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ना, मैं बुला लूंगा तुझे फिर से, तू भी तो
क्या जरूरत थी तुझे काती ऐसे उलझने की? फिर से चुपचाप रहता तो फिर क्या करता? गुलामी करता, तलवे चाटता उसके। देख तू फिर से गुस्सा कर रहा है, तुम्हारी यही आदत मुझे। जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे, जाते हुए झगड़ा नहीं करते। जरा बहू का और मुन्ने का ख्याल रखना। मुन्ना तू मेरे पास बनारस में आएगा ना? जीते रहो। कात्या के यहां कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तू कुत्ता। मैं चाहता तो तुझे उसी दिन जान से मार डालता, लेकिन वो मौत तेरी बहादुरी का इनाम होता, सजा नहीं। तेरी सजा ये है, ये देखो इसे, ये है तेरी सजा। इसके बाद तेरी हर सांस तुझे धिक्कारेगी, जिंदगी बोझ लगेगी तुझे, और तू मौत को ढूंढता फिरेगा। जब थक जाए तो कात्या के दरवाजे पे आना, रहम आ गया तो कात्या तुझे मौत भी दे देगा। जा कुत्ते, अपने पिल्ले के पास जा। हट! हाँ।
बाबूजी बाबूजी अब कैसी तबीयत है बाबूजी की? देखो काशी काय चाललं इकडे? काय चाललं हे एवढा रात्री तुमचा? कुछ नहीं, चलो काशी, हम लोग यहाँ यूं ही बैठे। ऐसा वैसा क्या है? कायदा कानून कुछ है कि नहीं? हम लोग यही रहते हैं पास में। ही पोरी, चलो ना काशी। ही पोरी तो होटल में नाश्ते नाश्ते चले ला हाथ बदी क्या बगू? मार देंगे मुझे, फांसी चढ़ा देंगे, मर जाऊंगा, नहीं छीना ना मर्दों की तरह, ना पुंसों की तरह, मेरे सामने तुम्हें कोई हाथ लगा मैं देखता रहूं, अरे काट दूंगा इन लोगों को, कहां थे ये लोग, जब उन लोगों ने मेरे बाबूजी को कुत्ता बनाया, क्या इज्जत से जीना पावे? हम लोग सर उठाकर जीना चाहते हैं, सर उठाकर। बाबूजी का इलाज करने आए थे हम लोग, कुत्ता बना दिया उन लोगों ने, हाथ जोड़ते हैं बनारस में, सलाम करते हैं लोग, और यहाँ यहाँ नहीं काशी बहुत अच्छा आदमी है इंस्पेक्टर, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम उससे इतना प्यार करती हो तो उसे समझाया क्यों नहीं? अरे कातिया से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? कातिया से पंगा लिया तो ये नौबत आ गई ना। कातिया की नौकरी करता, चुपचाप पड़ा रहता। चुपचाप तेरी तरह बेशरम बनकर नाचती क्लब में है, बात शर्म की करती है। वाह, अच्छा है, अच्छा है। नाचती हूँ, क्लब में नाचती हूँ, मेहनत और पसीने की खाती हूँ, तेरी तरह बेईमानी की रोटी नहीं तोड़ती। तू नमक खाता है सरकार का और गुलामी करता है कात्या की। ए, शट अप, शट अप। देख, तू देख, देख ना, कहाँ गया रजिस्टर मेरा? ऐसा केस बनाऊंगा, 7 साल के लिए अंदर जाएगा वो, देखना। बना केस, तू बना केस, कॉल रजिस्टर और लिख, लिख। तेरे हवलदारों ने मेरा हाथ पकड़ा, तेरे हवलदारों ने दारू पीकर मेरा हाथ पकड़ा। हाथ क्या पकड़ा, मेरे कपड़े भी फाड़े, ये देख मेरे कपड़े फाड़े। लिख, कॉल रजिस्टर और लिख। तू लिखेगा और बनाएगा केस। मैं औरतों को इकट्ठा करती हूँ, वो गवाही देंगी। केस बना, चल चल लिख, कब देख क्या रहा है? मुरारी, प्रॉब्लम उधर नहीं, इधर है। छोड़ छोड़ दे भाई, छोड़ दे उसको, ठीक? सचदेव को काट के फेंक दिया, तुम्हारे उस बनारसी पहलवान के घर में निकाल दी, इसके बाप को भरी बस्ती में कुत्ता बनाया, इतना सब कुछ हो गया फिर भी दुकानें खुली हैं, धंधा चालू है। पर बायलॉ कोर्ट, ए कात्या बोला वो लॉ। तुम्हारी वजह से भाई ने अपने खास आदमी की उंगली कटवा दी, तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत का बात नहीं भाई, ये जरूरत का बात है। डायलॉग मारने का नहीं। तू नाम बोल।
अंबिका लाल सत्यनारायण प्रसाद तिवारी। जगह बोल। 10x12 लिख 50,000। साहब 1.5 लाख का सामान है उसमें। 40 लिख। अरे पर कात्या का लॉ से जो रैम में मिल रहा है ना, वो एक एक करके लेके गुम हो जाने का। भाई तू चिंता मत कर, अपन पूरा बराबर वॉच रख रहे। जो भी दुकान का शटर खोलेगा ना, उसका लाइफ का शटर अपन घिरा डालेगा। तू कात्या के यहां कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। काशी, अपने क्रोध को पालना सीख बेटा। यही देखने आया था ना कि मेरी सांसें चल रही हैं या नहीं, ताकि मेरे मरने के बाद तू कात्या को मारकर जेल जा सके। क्रोध को पालना सीख। जब गांधी जी को गाड़ी के बाहर फेंक दिया गया था ना, तो उन्होंने डीसी पर अपना क्रोध जाया नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने क्रोध को पाला, उसे नींव बनाया, अपनी आजादी की लड़ाई का, मुल्क आजाद कराया। तुझे भी वही करना है काशी। कात्या को मारना समस्या का हल नहीं है। दुश्मन कात्या नहीं, बल्कि लोगों के अंदर छिपा हुआ उसका डर है, जो मेरे कैंसर से भी ज्यादा घातक है। उस डर ने लोगों की आवाजें बंद कर दी हैं, खोखला कर दिया है उन्हें। तुम्हें उन लोगों के अंदर हिम्मत फूंकनी है, इतनी हिम्मत कि वक्त आने पर कोई बच्चा भी भिड़ जाए कात्या से, कात्या खुद ब खुद मर जाएगा और फिर कोई कात्या कभी पैदा नहीं होगा। क्रोध को पालना सीख बेटा। हाँ? इतनी रात गई यहां, शराब पी है? ये दुकान में ताला लगा दे। शराब पी है भैया? हाँ पी है, हाँ पी है मैंने शराब। अरे बहुत दिनों के बाद मैंने वो किया है जो मेरे मन ने कहा। मैंने तय कर लिया काशी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस बनारस चला जाऊंगा। सब कुछ छोड़ देंगे आप? अपनी ये दुकान, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ देंगे? अरे तुम्हें अभी भी लग रहा है ये सब कुछ मेरा है? सब गया, सब कुछ गया मेरे भाई, सब खत्म हो गया। बस वहां बनारस में जो जमीन है उसी में कुछ कर लूंगा मैं। कौन सी जमीन? वहां कोई जमीन नहीं है। वो बनारस में अपनी जमीन है ना? बुजदिल की कहीं कोई जमीन नहीं होती भैया। क्या बकवास कर रहा है तू? आज एक कातिया के डर से आप ये जमीन छोड़ के भाग रहे हैं, कल वहां कोई और कातिया भगाएगा, किस जमीन पर अपना हक जमाओगे? बंद कर तेरा ये लेक्चर। अरे तू मुझे सिखा रहा है? अरे मैंने इसी चौराहे के बीचों बीच आतंक देखा है, भोगा है मैंने उसे। हाँ, मुझे तुम्हारी तरह गुंडागर्दी करने का शौक नहीं है। हक की लड़ाई गुंडागर्दी नहीं होती भैया। हक हक हक, अरे किस हक की बात कर रहा है तू? अरे दीमक चाट गई उस शब्द को इन किताबों में। अरे बकवास है काशी, ये इंसाफ अधिकार हक सब बकवास है। यहां तो मेरे भाई सिर्फ एक बात चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो अच्छा हुआ भैया कि कातिया की नजर आपकी दुकान पर पड़ी, आपकी पत्नी पर नहीं, नहीं तो उसे भी छोड़ के चले जाते आप। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? वो मेरी पत्नी है,
हमारे घर की इज्जत है, तुम्हारी भाभी है वो। और जमीन माँ, भैया माँ, वो जमीन जिसे इस शहर में आपको दो वक्त की रोटी दी, उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन जिसके दम पर आपने घर बसाया, शादी की, मुन्ना की परवरिश की, उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन जमीन नहीं, आपकी इज्जत है भैया, इज्जत। और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने तय कर लिया है। क्या? मैं मर जाऊंगा लेकिन ये दुकान नहीं छोड़ूंगा, बस। हाँ, लेकिन दुकान अभी काहे को खोली तुमने? हाँ नहीं नहीं, तुम एक दुकान खोलोगे तुम्हारी वजह से सारे दुकानदारों पर मुसीबत आ जाएगी। कौन खोला दुकान? इसका दुकान? हाँ मैंने खोला, क्या करेगा तू? हाँ बीच में आ, क्या करेगा तू बोल? गिनती ले। अरे बोल। एक दो तीन चार। ए ए तेरी तो मत। ए ए ये 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 मार, तू मार। ए ए कोई बीच में ले आएगा आज का बादशाह तू। बोला ना कोई बीच में नहीं आएगा। मानना बोला ना, मानना। आप ना हिलेगा ना डूलेगा। मोहम्मद भाई, ए तू रुक इधर, कोई हिलेगा नहीं। मोहम्मद भाई आ रहे नहीं। मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई। शिवा क्या? मोहम्मद भाई आने वाला है, दुकान बंद करो। अरे कुछ नहीं होगा मोहम्मद भाई से। बात सुनो हमारी। देखो सचमुच आज का बादशाह तू। देखो शिवा, वो सब समझते हैं, तुम्हारी हर बात हम लोग समझते हैं, लेकिन एक बात बताइए आप लोग, हम व्यापारी लोग हाथ में तराजू लेके धंधा करेंगे कि पिस्तौल और तलवार लेके उन गुंडों का मुकाबला करेंगे? एक काशी, तुम्हारा जैसा और पहलवान होएगा ना उधर बनारस में, एक 10-12 इधर बुला लो ना, उनका जो बनता है अपन दे देंगे उनको। हाँ, हम लोग उनको रहने को जगह देंगे, लिविंग क्वार्टर्स पालेंगे हम उनको। हाँ, पहले तुम उनको पालोगे, फिर जब उन्हीं में से कोई कांटा बनकर तुम्हारे सर पे बैठेगा, गुंडे पालेगा ये। अरे यार जो कुछ भी करना है हमको करना है। तेरा तो कुछ नहीं जाता है, तेरा भाई पहलवान है, मेरा भाई भी नहीं है। शिवा तू लकी है, तेरी दुकान चलेगी। हाँ दामू काका, हम लोगों की तो ऐसा ही लगता है। यार सुनते क्यों नहीं, सबकी चलेगी यार। क्या चलेगी? दुकान चल रही है क्या? बंद पड़ी है। एक तो हम उन गुंडों का मुकाबला कर नहीं सकते और पुलिस हमारी सुनती नहीं। सुनेगी, पुलिस तुम्हारी बात सुनेगी, उन्हें सुननी पड़ेगी। ए, अभी ये क्या करेगा? हाँ हाँ, तस्वीर भिजवा चुका हूँ मैं, साथ में सारी डिटेल भी दे चुका हूँ। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं, वो मेरी बेटी है। बेटी दोपहर से गायब है, अब तक कुछ पता नहीं चला। शहर में नाकाबंदी कर दीजिए, भले स्टेट की सारी पुलिस लग जाए, लगा दीजिए पुलिस को, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या? हाँ हाँ, कमिश्नर से तो क्या, मैं मिनिस्टर से भी बात कर लूंगा। हाँ क्या कहा उन्होंने? शांति रखो, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब तुम्हारे कुकर्मों का नतीजा है। अगर मेरी बेटी को, अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगी वो। मर चुकी है वो, मार दिया उसे। क्या? पुलिस वाला बिना सबूत के कुछ मानता नहीं। ये लो। नहीं। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा? पंचनामा करना है, केस बनाना है। क्यों इंस्पेक्टर? न जाने कितने ही बेगुनाहों के खून के धब्बे पड़े पड़े सूख गए सड़कों पर, जिनका कभी केस नहीं बना, और जिनका केस बना उन पायलों पर से कभी धूल उठी ही नहीं। आज अपनी बेटी का खून देखकर घुटने पर आ गए। तुम्हारे ही सताए हुए किसी एक ने मार डाला है उसे। लेकिन इसको क्यों मारा? पिंकी को क्यों मारा? अरे क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? क्यों क्यों? अहिंसा से अपना हक मांगने वाला सचदेव सारे बाजार काट कर फेंक दिया गया, क्यों?
उसकी बीवी मालती तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन में सर पटक पटक कर पागल हो गई और उसे इंसाफ नहीं मिला, क्यों? एक बुजुर्ग को चौराहे पर कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है, क्यों? बेचो परिवार अपनी जमीन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कभी किसी मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो कभी कातिया के दरवाजे पर अपना माथा टेकते हैं तो कभी तुम्हारी जेबें गर्म करते हैं, फिर भी उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं, क्यों? क्यों? ना जाने कितने ही ऐसे क्यों गरीबों के यहाँ से उठते हैं, यहाँ से क्यों? 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 जानते हो क्यों? क्योंकि कानून और इंसाफ ताकतवर के घर गुलाम बनकर बैठे हैं और जब तक ऐसा रहेगा खून यूं ही बहेगा। इस खून के जिम्मेदार तुम हो। तुम जैसे गैर जिम्मेदार पुलिस वाले एक आम आदमी को घातक बनने पर मजबूर करते हैं। तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई है तुम्हारी बेटी ने। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? जो दर्द तुम आज महसूस करके मरना चाहते हो, ऐसे ही दर्द लेकर हम रोज जीते हैं। पिंकी, अपने डैडी को संभालो। हेलो काशी, तुमने ठीक किया। मुझ जैसे आदमी को समझाने का यही तरीका था। मैं अब तुम लोगों के साथ मिलकर लड़ूंगा। ये नौकरी रहे ना रहे, बात जान पे क्यों ना आ जाए, मैं वादा करता हूं कातिया, अब तुम लोगों को उस जगह से हटा नहीं सकता। दरअसल क्या है इंस्पेक्टर साहब की आज जरा वो शिवरात्रि है, हम भी रखी है सबने। सर शिवरात्रि तो है ही, मगर हम लोगों को जो दुकानें वापस मिली है ना उसी खुशी में बेचारे पागल हो रहे हैं। ये सब इंस्पेक्टर साहब की कृपा है। अरे मेरी कोई कृपा नहीं है, ये सब भोलेनाथ की कृपा है जिसने काशी जैसे लड़के को आपके और हमारे बीच भेज दिया है। क्यों सर, कल से हम लोग वहाँ धंधा शुरू कर रहे हैं, अब वहाँ शांति रहेगी ना? बिल्कुल रहेगी। अरे दो तीन दिन में पुलिस चौकी खुल रही है, उसी काम के लिए तो दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, वादा करता हूँ कातिया और उसके सब भाई अरेस्ट होंगे। अच्छा, लो आपको प्रसाद लेना ही पड़ेगा। शाम को हमने भजन कीर्तन रखा है, आप जरूर आइएगा, मौज मस्ती करेंगे। भजन कीर्तन मौज मस्ती? अरे हाँ, ये लीजिए, ये कुछ पासेज हैं, कोई छोड़ गया था पुलिस स्टेशन। अच्छा। नया क्लब खुल रहा है, वहाँ जाकर मौज मस्ती कीजिए ना। चलता हूँ।
मजा आया, डांस अच्छा था। अरे वो कहाँ गए? अरे दामू काका आओ ना, देर हो जाएगी। आओ अग्निस्वाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धनवंत्रये स्वाहा, ओम कहे स्वाहा, ओम नमत्ये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। अव श्री पुनराग्ने पितृभ्यो यस्ते आहुश्चरितस्प्रधामी आयुर्वसान उपवेतु शेषदागच्छताम स्वाहा। आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप यहाँ क्यों आए? सब गड़बड़ हो जाएगी। सुनिए, सब ठीक सुनिए, तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा आप उधर आइए। सब ठीक ठाक। ओके, बॉडी स्कैन ये सब इतना वाला चल। अब अल्लाह सबको साइड करो, जल्दी साइड कर दो। कम ऑन, प्लीज साइड कर। आइए चलो, बाजू लो, चलो आप लोग दादा को चलो प्लीज, इधर आइए, आइए। बुरा हुआ है कातिया भाई को, इस बात का बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, इसलिए वो आप लोगों से मिलने के लिए खुद आए हैं। कहने वाले कहेंगे कि ये सब कातिया ने किया, मगर सब जानते हैं कि कातिया जो कुछ भी करता है खुलेआम करता है, सबके सामने करता है और दिन दहाड़े करता है। यह हादसा कुदरत का कहर है। मरने वाले को 20,000 रुपए और जो लोग घायल हैं उनको 10,000 रुपए मैं अभी देता हूं। सरकार की तरफ 2 साल बात नहीं, एक बात और, मौत कब किसे अपने शिकंजे में ले ले यह बात कोई नहीं जानता, इसलिए जो लोग जिंदा हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि यह हादसा उनके साथ भी हो सकता है। चलो की गिरफ्तार पर हाथ डाला तूने? हाथ पे हाथ डाल के कलेजा खींच लूंगा आराम पर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने? उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज। कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे। जिंदा जलाएगा तू? रख, अगर सातों एक पाप दे तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को सात मारूंगा, एक सात मारूंगा। अरे रोक, तेरे बाप को कुत्ता बनाया था मैंने, तुझे भी नहीं।
अपना मुंह धो लीजिए जीजाजी, ये मट्टी तो इस गर्म पानी से धुल जाएगी मगर कालिक जो आपके मुंह पे पूछा खून से धुलेगी, काशीनाथ के खून से धुलेगी, मुझे उसका खून चाहिए खून। ये साला काशी ना जाने कौन सी बिल में छुप गया है, लगता है बनारस भाग गया। चलो यहां भी देखते हैं। ये क्या हुआ, किसने किया ये सब? सातों को एक साथ मारने की कसम क्या खाई कि सातों भाई अलग अलग घूमने लगे? घूम नहीं रहे, तेरी मौत बन के तुझे ढूंढ रहे हैं। मौत तो तेरा यहां इंतजार कर रही है। बोल, अकेला मरना चाहता है या अपने भाइयों के साथ? काट डालो साले को। अरे भाई तुम लोग शर्माते क्यों हो, पियो भाई, ये अंत्या का पार्टी है, बहुत शौक है उसे पार्टी देने का, लोगों को खिलाना पिलाना बहुत अच्छा लगता है उसे, पियो भाई। देखो भाई तुम नहीं पियोगे तो अंत्या को बहुत बुरा लगेगा, पियो। ए अंत्या, तेरी पार्टी में सब लोग आए मगर कोई खा नहीं रहा, कोई पी नहीं रहा, तू समझाना इनको, तेरी बात मान लेंगे ये जिस तरह तू मेरी बात मानता है, समझा। ये मेरा अच्छा भाई है, बहुत अच्छा भाई है, मेरी बहुत इज्जत करता है, ये सब बात मानता है, मुझसे पूछे बगैर ये कभी कोई काम नहीं करता, मगर आज मुझसे पूछे बगैर ये मर गया, कुत्ते की मौत मर गया ये, अब क्या करूं तेरे साथ? चलो, यही लिखा था तेरी तकदीर में, अब चलो। अरे मरने से पहले दादा का ख्याल नहीं आया तुझे, कभी नहीं सोचा था कि उसके दिल पर क्या बीतेगी, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, मैं तुझे मरने नहीं देता रे। कातिया भाई ने कहा है अगर किसी ने भी इस कुत्ते की लाश को कांधा दिया तो उसके पूरे खानदान में उसे कांधा देने वाला नहीं बचेगा। इसकी लाश उठाने के लिए म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी बुलाओ। Thank you.
चार आदमी आगे आ जाइए, कंधा देने का समय हो गया है। कृपया चार आदमी आगे आ जाइए, कंधा देने का समय हो गया है। पंडित जी, रीति के अनुसार चार मर्दों के कंधों की जरूरत है। मर्द तो यहां कोई रहा नहीं, मर्द तो यहां कोई रहा ही नहीं ना, सब मर गए, कोई कुछ नहीं कर सकता। काशी, ये काम तुम्हें अकेले ही करना है, अकेले ही करना है। चार आदमियों की जरूरत नहीं है मुझे, अकेला काशी ही काफी है मुझे कंधा देने के लिए। खबर लेके आऊं कि काशीनाथ पुलिस की हिरासत में घाट जा रहा है अपने बाप की अस्थियां बहाने आज रात को। अगर आप कहे तो उसे।
कातिया और उसके सब भाइयों का अरेस्ट वारंट इशू करो, उसके सारे गुंडों को आज अभी इसी वक्त। काशी, अब पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, अगर मदद करना चाहते हो तो बाहर रहो, इस लड़ाई से बाहर रहो। काशी, पागल हो गए वो लोग, तुम्हारे घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करके मुन्ना को उठा के ले गए। वो पता नहीं जाने क्या मार देंगे ना उसे, मर जाने दो। लेकिन काशी, मार देंगे दुकान वालों को, उन्हें भी मर जाने दो, लेकिन अब पुलिस का सहारा नहीं चाहिए। अब जो जिएगा वो अपने पैरों पर चलेगा, पुलिस की बैसाखी लेकर नहीं। इस लड़ाई में या तो हमारी पूरी जीत होगी या पूरी हार। जो कुर्ता रखता है उसे ही जीने का हक है, वो ही जिएगा। Hey!
ठीक नहीं किया काशीनाथ, तूने ठीक नहीं किया। जब से होश संभाला है मैं कभी रोया नहीं, मगर तूने रुला दिया मुझे। पहले गांव दिया, फिर उसे कुरेद कुरेद कर रुलाया तूने मुझे। ठीक नहीं किया तूने। अरसा लग जाता है आतंक जमाने में, आधी जिंदगी गुजर गई मेरी, मगर तूने सात भाई थे हम, सबके सब शेर, उनमें से चार को तूने मार डाला। चार नहीं पांच, दो बचे हैं। अरे जीजाजी, ये क्या कर रहे हैं आप? जीजाजी से आप यहां मारेंगे तो वहां चौक में इसकी मूर्ति बन जाएगी, लोग पूजा करेंगे इसकी। इसे ले जाकर मारिए उनके बीच जिनका मसीहा बना है ये, ताकि आपकी दहशत उनके दिल में पहले जैसी बनी रहे। चुप चाचा के बच्चे, चुप चुप। पहली बार तूने अकलमंदी की बात की। दीदी, अब बहुत जल्दी तेरी आत्मा को शांति मिलने वाली है, और बहुत जल्दी पूरी होने वाली है मेरी वो कसम जो तेरे इस लाचार भाई ने तेरी मौत पर खाई थी, कि जब तक तेरे हत्यारे कात्या और उसके भाइयों का पतन नहीं देख लूंगा, पड़ा रहूंगा यहीं उनके टुकड़ों पर बेशर्मों की तरह, ये नंगा बदन लिए। लेकिन दीदी, अब इस बेशर्मी को ढकने का दिन आ गया है, क्योंकि मैंने काशीनाथ की आंखों में कात्या का काल देखा है, कात्या का काल। काशीनाथ, तेरा चाहने वाला पानी लेकर आ गया, छोड़ दो उसे। काशीनाथ, इसने जमीन मांगी थी हमसे, ये जगह मांगी थी, इसी जमीन में इसे तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। क्या मारेगा तू उसे, क्या मारेगा? तू खुद मरा हुआ है, तू उसे मारेगा? अकेले ही तेरा सारा साम्राज्य खत्म कर दिया। अरे क्या रहा तेरे पास? भाग गए डर के मारे तेरे सारे गुंडे, मार डाला तेरे सारे भाइयों को। सबके सामने इसी चौक पर नचाऊंगा तुझे, अभी नचाऊंगा तुझे। अभी हट, तू क्या नचवाएगा मुझे, क्या नचवाएगा? इसे बांध कर मर्द बनता है ये, अभी उठेगा, उठेगा अभी, और तुझसे मुजरा करवाएगा यहाँ, और तू करेगा। मार मुन्ना मार,
भौंक। दादाजी की अस्थियां